मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़े लेक्चर नंबर 62। एक्चुअली 61 क्वेश्चन में जब हम पढ़ रहे थे तो उस समय दो क्वेश्चन के बाद फिर हमारी बैटरी डाउन हो गई लैपटॉप की, तो इस वजह से क्या है हम आपको इस अगले जो तीन क्वेश्चन हैं उनको इस लेक्चर में कवर करवा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, द सिचुमेटिक डायग्राम ऑफ स्टेडी स्टेट प्रोसेस इज शोन इन द बिलो। द फ्रेश फीड टू द रिएक्टर कंसिस्ट 96 मोल परसेंट ऑफ ए एंड 4 मोल परसेंट ऑफ इनर्ट आई। ठीक, यहाँ पर एक रिएक्टर है, इस रिएक्टर में हम क्या कर रहे हैं, एक फीड एफ यहाँ पर दे रहे हैं और इस फीड एफ में ए जो है वो 96, अगर हम मान लें अगर कि जो एफ है वो लेट 100 मोल है, हम ये मान लें कि भाई ए में ये कितना है 100 मोल है, हमने इसको लेट किया हुआ है, माना हुआ है। ठीक, तो कह रहा है कि ठीक है एंड आई इनर्ट रिमेनिंग 4% है, यानी अगर 100 माना है तो ये 4 मोल हो जाएगा। ठीक, 4 मोल हो गया। द स्टोइकोमेट्रिक ऑफ स्टोइकोमेट्री ऑफ द रिएक्शन ए टू सी, इसमें ए से सी बन रहा है, हमारा एक मोल से एक मोल बन रहा है। जब एक मोल से एक मोल बन रहा होता है तो हम ओवरऑल बैलेंस लगा सकते हैं। ठीक, द ए पार्ट ऑफ द रिएक्टर एफरेंट रिसाइकिल। अब इसमें क्या हो रहा है कि उस रिएक्टर एफरेंट का एक पार्ट का मतलब जो है कंपोजिशन वही रहेगा, बस खाली हमने उसका एक हिस्सा ऐसे या तो ऐसे घुमा लें इसको, हम यहाँ से ले लें या फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो उसने बोला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलें। इस तरीके से ठीक हम ऐसे ले लें, ये चीज ले लें, ठीक, जो रिसाइकिल हम कर दें और रिसाइकिल जो है वो 0.3F है। ठीक, द प्रोडक्ट स्ट्रीम पी, ये प्रोडक्ट स्ट्रीम है पी, प्रोडक्ट स्ट्रीम पी कंटेन्स 50 मोल परसेंट ऑफ ए, जो 50 मोल परसेंट ऑफ सी, इसमें जो सी है सी है वो कितना है 50 परसेंटेज में है। ठीक, सी 50 परसेंट है। द परसेंटेज कन्वर्जन ऑफ ए इन द रिएक्टर बेस्ड ऑन एंटरिंग द रिएक्टर इन द फिगर। कह रहा है द परसेंटेज कन्वर्जन ऑफ ए इन द रिएक्टर बेस्ड ऑन ए एंटरिंग द रिएक्टर एट 0.1, फिगर दिया गया है, आपको 10 के एक स्थान तक आंसर देना है। देखिए ध्यान से, एक्चुअली क्या है कि इसमें दो प्रकार कन्वर्जन होते हैं, एक कन्वर्जन ओवरऑल कन्वर्जन, इसमें हम इनपुट और फाइनली आउटपुट में हम देखते हैं या फिर पर्ज में देखते हैं। ठीक, उसके हिसाब अकॉर्डिंग हम लगाते हैं कि भाई कितना कन्वर्ट हुआ है, इसे बोलते हैं ओवरऑल कन्वर्जन। दूसरा कन्वर्जन होता है इसमें हम यहाँ मिक्सिंग पॉइंट एम पर फोकस करते हैं और इसके बाद यहाँ पर फोकस करते हैं। ठीक, तो रिएक्टर इन आउट देखते हैं तो उसको बोलते हैं पर पास कन्वर्जन। ठीक, हम वो देखते हैं। तो इसमें पर पास कन्वर्जन पूछा है, मतलब रिएक्टर कन्वर्जन ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ 0.1, यहाँ पर मान लीजिए 0.2 है। ठीक, क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप इसको समझिए। पहले तो ओवर बैलेंस हम लगाएंगे। ओवर बैलेंस में क्या है कि क्योंकि यहाँ पर स्टोइकोमेट्री ऐसी है कि एक मोल से एक मोल बनना है, ओवर में लगा सकते हैं तो एफ इक्वल्स टू पी हो जाएगा। तो यहाँ इसका निश्चित है कि भाई पी पूरा कितना होगा, 100 होगा, अगर 100 माना है, एफ माना 100 तो 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि सी जो 50% बोल रहा है वो कितना है, 50 मोल है। ठीक, नंबर दो, इसमें ए भी होगा और इसमें आई भी होगा। ठीक, अब हम अगर इनर्ट 4 मोल यहाँ से इंटर कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ भी 4 मोल होगा, जितना इन कर रहा है उतना इनर्ट आउट करना चाहिए। ठीक, अब देखिए 100 मोल में से सी है 50 मोल 50%, तो हमने 50 ले लिया। 100 मोल में अगर कोई 50 मोल है इसका मतलब 50% है, वो तो क्लियर आपको पहले से।
100 मोल में आई है 4 मोल, मतलब जो है कि भाई ये 4% हो गया। और ए है कितना बचा हुआ 46, तो मतलब 46% जो है आपका इस 100 में ए हो गया। क्लियर, यहाँ पर आप बोल सकते हो 46 मोल हो गया। ठीक, चलिए, अरे आपने 50 मोल निकाल दिए, 4 मोल निकाल दिए, बचे कितने 46 मोल, 6 मोल क्या होगा ए होगा, क्योंकि ए ओ सी और इनर्ट यही चीज़ थी। ठीक, अच्छा, अब इसमें अब जो आर है, अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि भाई एक आर जो है, आर जो है वो एक पार्ट है, किसका, आउटलेट का पार्ट है, तो इसकी जो कंपोजिशन है पी की, वही कंपोजिशन आर की होगी। तो इसमें देखो आर कितना हो जाएगा, 0.3 F है, F को हमने 100 मान रखा है, यानी 30 हो जाएगा। अगर हम बोलें कि आर में ए कितना है, तो 30 का 0.46, 30 का 0.46 आपको निकालना है। पॉइंट फोर सिक्स इंटू तीस 13.8, ये 13.8 मोल हो गए। ठीक, और 46 मोल यहाँ पर ये था, 46 मोल। तो अगर हम 0.2 पे देखें तो 13.8 प्लस 46, ठीक, प्लस 46, तो ये हो गया 59.8। ठीक, अगर हम 0.1 पे देखें कितना मोल है, तो एक तो 96 मोल ये हो गया और 13.8 मोल ये हो गया, तो 13.8 प्लस 96, तो ये हो गया 109.8। क्लियर, और ये 59.8। तो अब यहाँ पर हमें मालूम पड़ेगा कि इनमें एक कितना और आउट में एक कितना था। तो परपास कन्वर्जन अगर हमें निकालना हो, परपास कन्वर्जन हमें निकालना हो, तो सिंपली हम बोल सकते हैं कितना कन्वर्ट हुआ, कैसे मालूम पड़ेगा, 109.8 माइनस 59.8, ठीक, बटे कितना इन किया, इनटू 100। तो इसमें 59.8 कितना हो गया, बटे 109.8। ठीक, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.4553 या फिर 53.45.53, तो उसको आप 5 बोल सकते हैं। ठीक, तो ए आंसर हो गया, इतना परसेंट परपास कन्वर्जन हो गया, या फिर कन्वर्जन ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रिंग एंट्रिंग पॉइंट ऑफ रिएक्टर। ठीक, तो इसमें हमारा आंसर जो है वो 45.5 है, और इसमें जो ऑप्शन है दिए हुए, इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, आप देख पा रहे हो। चालीस, एक तरीके से अगर 109.8 माइनस 46 करें और बटे हम 109.8 करें, तो हमारा ये आ रहा है 58.1 आ रहा है, 58.1। आर सेकंड में इसमें जो है क्या है कि ये जो क्वेश्चन है गेट एग्जाम में आया हुआ है, और आंसर की से इसका सही आंसर हम मैच करने के बाद आपको बताते हैं। इसका जो आंसर है वो 45.5 है, आपको याद होगा हमने फुल कंटेंट में क्वेश्चन करवाया है, तो वहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ठीक, और इस क्वेश्चन सोल्यूशन ये भी गलत है, और उसके चारों ऑप्शन सेट किए हैं ये भी गलत है। ठीक, और एक क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है वो इंटीरियर टाइप का है। ठीक, इंटीरियर टाइप के होने की वजह से ही इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि अप टू 1 डेसिमल प्लेस, जो उसमें रिपोर्ट करना होता है उसी के लिए सारे देने के लिए पर आंसर लिखी होती है बात। ठीक, और कोई पर्पज नहीं है इसमें। कई बार बुक्स में क्या इसमें किया गया है कि आंसर खुद से ऑप्शन बना दिए गए हैं, और कई बार वो ऑप्शन में से जो है राइट आंसर दिया ही नहीं है,
ऑप्शन राइट ऑप्शन जो है इसमें दिया ही नहीं गया है। चलिए तो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 474 हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं, फॉर अ प्योर लिक्विड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर यानी dP/dt इसकी वैल्यू दी है कितनी, 0.1 दी है। ठीक, तो अगर हम इसको हम सॉल्व करें तो dP = 0.1 dt हो जाएगा। इंटीग्रेशन करें तो dP = 0.1 और यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा जो है पी हो जाएगा और 0.1 t हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। ठीक, ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन में आगे दिया है कि जो फार्मूला है वो 300 केल्विन से 350 केल्विन तक ही वैलिड है। ठीक, चलो, इफ़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड ठीक है, तो इफ़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड एट 2 bar ए 320 केल्विन। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड एट 2 bar, देखो बॉइलिंग पॉइंट जो है 2 bar पे 320 केल्विन है, इसका मतलब यह है कि जो प्रेशर है वो 2 bar आप ले सकते हो उसकी वैल्यू, और जो टेम्परेचर है उसको आप 320 केल्विन ले सकते हो। समझ गए, तो फिलहाल ये वैल्यू पुट करो उसमें, तो 2 = 0.1 t, टी की वैल्यू कितनी है 320, तो आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 32 प्लस सी, ये हो जाएगा ना, तो यहाँ सी आ जाएगा -30। ए वैल्यू इसमें पुट कर दो, P = 0.1 t - 30। ठीक, ये वाला हमारा रिलेशन हो गया। अब क्वेश्चन जो है कि इसमें अब आपसे पूछ सकता है किसी भी टेम्परेचर पर क्या वैल्यू होगी, तो कह रहा है कि द टेम्परेचर इन केल्विन एट विच वाइल्स एट 1 bar। ठीक, मतलब अगर प्रेशर 1 bar हो जाए, प्रेशर क्या हो जाए 1 bar हो जाए, तो टेम्परेचर क्या होगा ये पूछ रहा है। तो भाई इसको हम प्लस करेंगे तो ये 31 हो जाएगा, डिवाइड 0.1 से करेंगे 310 हो जाएगा, टी आ जाएगा 310 केल्विन, तो 310 केल्विन पे ये क्या होगा, प्रेशर 1 bar हो जाएगा। अब आपको मालूम है, देखो प्रेशर हमारा जो, जब प्रेशर हमारा 2 bar था, ठीक 2 bar था, तब टेम्परेचर 320 बॉइलिंग पॉइंट था इसका। अगर हम प्रेशर 1 atm कर देंगे तो मेरे प्यारे ऑटोमेटिक बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, और बॉइलिंग पॉइंट 310 है, थोड़ा इसको भी चेक कर लीजिएगा। ठीक, ऐसा होना चाहिए, इस रूल को भी फॉलो करना चाहिए। कई बार एग्जाम में न्यूमेरिकली मिस्टेक हो जाती है, तो अगर हम इस बात को ध्यान रखेंगे तो इसकी चांस हमारे कम रहेंगे। चलिए हम इस लेक्चर का और इस सब्जेक्ट का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन तो वैसे थर्डानमिक्स का है, गेट एग्जाम 2015 का, फिर भी हम यहाँ पर सॉल्व कर दें। इसमें फ्यूगर सिटी कोफिशिएंट का ही एप्लीकेशन है और एक्टिविटी कोफिशिएंट का एप्लीकेशन है, उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है भैया क्वेश्चन में, कि बाइनरी मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट 1 and 2, जैसे पहले हमारा सिस्टम था उसी तरीके का सिस्टम है, इसमें 2 कंपोनेंट हैं, यहाँ पर नीचे लिक्विड का मिक्सचर है और ऊपर जो है वो इक्विलिब्रियम में है ये वेपर। ठीक, कह रहा है बाइनरी मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट 1 and 2 फॉर्म एन एजीटॉप एट 130 degree centigrade टेम्परेचर। ठीक, क्लियर, कह रहा है कि एंड X1 जो पॉइंट थ्री लिक्विड में जो कंपोजिशन होती है वो X1 से दिखाते हैं, X1 अगर 0.3 है तो निश्चित बात है X2 0.7 होगा, 1 से घटाएंगे तब,
तो आपको दोनों वैल्यू उसने दे दी, 0.3 x1 की वैल्यू और x2 वैल्यू 0.7। ठीक। नंबर दो कह रहा है कि लिक्विफेज नॉन आइडेंटिटी डिस्क्राइब्ड, जो लिक्विफेज की नॉन आइडेंटिटी है उसको कैसे दिखाते हैं, तो उसको दिखाते हैं एक्टिविटी कोएफिशिएंट से। उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो फार्मूला है आपको याद होगा, एक मैग्नस फार्मूला टाइप का था थोड़ा उसमें, वो उसका यूज किया गया है। तो कह रहा है कि एलन लेमडा वन इक्वस टू ए, ए कॉन्स्टेंट है, एक्स टू स्क्वायर, आपको याद होगा ना मैंने लिखवाया था एक्स टू स्क्वायर और फिर ब्रैकेट में कोई वैल्यू थी माइनस कुछ वैल्यू थी इनटू दूसरा कंपोजिशन था, एक्स टू है तो एक्स वन था, तो उस तरीके से ब्रैकेट को मिला के इसने ए वाला बना दिया है। मतलब ब्रैकेट मिला के नहीं, मतलब उसके जैसी जो वैल्यू है उसको कॉन्स्टेंट को मिला के सर ए बना दिया। ऐसे ही दूसरा जो आइलन गामा टू है उसको डिफाइन इसने किया ए और एक्स वन का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर टू। ठीक। अगर मुझे ए मालूम हो जाए तो मैं गामा वन और गामा टू निकाल सकता हूँ, बट ए मुझे नहीं मालूम। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर गामा वन गामा टू और एक्टिविटी कोएफिशिएंट एंड एक्स वन एक्स टू आर द लिक्विड फेज मोल फ्रैक्शन, जो आपको मालूम ही है, फॉर बोथ कंपोनेंट द फ्यूगोसिटी कोएफिशिएंट आर 0.9। ध्यान दीजिए, फ्यूगोसिटी कोएफिशिएंट किसमें होता है, इसमें होता है वेपर में। वेपर में जो फ्यूगोसिटी कोएफिशिएंट है पहले वाले कंपोनेंट का 0.51 और दूसरे कंपोनेंट का 0.52, दोनों क्या है बराबर है और उसकी वैल्यू कितनी है 0.9 है। राइट। फिर कह रहा था एट द आइसोटोपिक कंपोजिशन सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, दोनों जो कंपोनेंट है उनका सैचुरेटेड वेपर प्रेशर दिया है, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था उसमें निकालना पड़ा था, बट यहाँ पर दिया हुआ है 70 bar और P2 सैचुरेटेड दिया हुआ है कितना 30 bar। क्लियर। कह रहा है टोटल प्रेशर इन बार आपको बताना है फॉर अबव आइसोटोपिक सिस्टम। टोटल प्रेशर का मतलब यह है कि पहले तो आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है पहले वाले का और दूसरे वाले का, इनको जोड़ देना है। आप क्या फिर और एक काम करना है, मान लो आपने पार्शियल प्रेशर निकाल लिया पहले का और आपको मोल फ्रैक्शन पता है, तो वहाँ से आप टोटल प्रेशर निकाल सकते हो। ये दो तरीके हैं निकालने के, फिलहाल हम इसको देखेंगे। अच्छा, इक्वेशन वन और टू को डिवाइड कर दें हम, नहीं घटा दें दोनों को, अगर दोनों को कहें घटा दें तो हमारा एलन गामा वन अपॉन गामा टू इक्वस टू बैकग्राउंड ले लेंगे इसको और घटाएंगे तो एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक। इसको इक्वेशन नंबर हम 3 कह सकते हैं। क्लियर। अच्छा, पार्शियल प्रेशर को हमें अगर डिफाइन करना है, इक्वेशन नंबर 2-3 इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। नंबर दो, अगर हमें पार्शियल प्रेशर को डिफाइन करना है तो पार्शियल प्रेशर पहले कंपोनेंट का अगर हम लिक्विड के लिए लें तो P1 सैचुरेटेड राउल्स लॉ से इनटू X1, क्योंकि नॉन आइडियल है तो उसके लिए मॉडिफाइड राउल्स लॉ काम करेगा और गामा वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक। अच्छा, पार्शियल प्रेशर गैस के लिए बात करें तो जो होता है टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट का और उसका क्या फ्यूगोसिटी कोएफिशिएंट। राइट। सेम दूसरा जो कंपोनेंट है उसके लिए पार्शियल प्रेशर P2 सैचुरेटेड X2 और गामा 2, ऐसे ही गैस के लिए P/2 और गामा 2। ठीक। अब देखो गामा 1 गामा 2 हम देखें अगर, अच्छा हम अगर इसका यूज करना चाहें तो हम इसको दोनों को डिवाइड करें, X1 X2 पता है, सब पता ही, जे वैल्यू रह जाएगी, जब P3 कैंसिल हो जाएगा Y1 Y2 आपको रह जाएगा और इसकी वैल्यू आपको पता है। ठीक। तो यहाँ से Y1 उनका रेशियो आपको मिल जाएगा, रेशियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बात क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज दी हुई है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये दिया है कि एजिट्रोप फॉर्म करता है, तो एजिट्रोप फॉर्म करने का मतलब क्या है कि लिक्विड में जो कंपोजिशन है किसी कंपोनेंट की, मान लो X1 है तो सेम कंपोजिशन Y1 होगी वेपर में, तो X1 जो होता है वो Y1 के बराबर है अगर एजिट्रोप फॉर्म करता है, और सिमिलरली X2 जो है वो Y2 के बराबर है, समझ गए। तो एक काम हम कर सकते हैं, देखो X1 यहाँ पर जो वैल्यू है वो कैंसिल हो जाएगी Y1 से और X2 Y2 से कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 अगर दोनों इक्वेशन को डिवाइड करें
तो पी से पी तो टॉयलेट पेपर से कैंसिल हो जाएगा, हालांकि इसके बारे में मुझे निकालनी है ये हमारा जवाब। तो एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, पी वन सैचुरेटेड अपॉन पी टू सैचुरेटेड इनटू गामा वन अपॉन गामा टू। मुझे गामा वन अपॉन गामा टू की वैल्यू निकालनी है क्योंकि इसका यूज मैं क्वेश्चन नंबर थ्री में कर सकता हूँ। इन दोनों की वैल्यू बराबर है इसलिए जो वैल्यू वन हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू होगी वन, और जो पी वन सैचुरेटेड अपॉन पी टू सैचुरेटेड इंटू गामा वन अपॉन गामा टू। अगर आप यहाँ से गामा वन और गामा टू की वैल्यू निकालना चाहो रेशियो की, गामा वन अपॉन गामा टू, तो ये हो जाएगा पी टू सैचुरेटेड अपॉन पी वन सैचुरेटेड। ठीक, पी टू सैचुरेटेड वैल्यू 30 है और इसकी वैल्यू 70 है बार में, तो ये हो गया 3/7। इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर थ्री में यूज करूँगा, इन इक्वेशन नंबर थ्री। चलिए वैल्यू पढ़ के इक्वेशन नंबर थ्री में देखिएगा, यहाँ पर जो होगा एलन 3/7 इक्व टू ए, एक्स टू की वैल्यू आप क्या दोगा 0.3 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर माइनस 0.3 का स्क्वायर। ठीक, हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ए की, ये वैल्यू जब 3/7 एक से कम है इसलिए माइनस में आएगा, सॉल्व करने में ए की वैल्यू हो जाएगी -2.118। ए आपको मालूम पड़ गया, समझ गए, आपकी जो कहानी थी वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है, ए आपको मालूम पड़ गया। अब आप आराम से क्या कर सकते हो, अब आराम से आप इन इक्वेशन की हेल्प से लैम्डा वन लैम्डा टू निकाल सकते हो। आइए हम लैम्डा वन लैम्डा टू निकालते हैं। पहली इक्वेशन में एलन लैम्डा वन इक्व टू ए, ठीक, और एक्स टू का स्क्वायर, ठीक, ए की वैल्यू पुट करो -2.118 और एक्स टू की वैल्यू जो लैम्डा वन निकालना है तो एक्स टू लैम्डा वन के लिए एक्स टू रखना पड़ेगा, पॉइंट सेवन, और इसका स्क्वायर करेंगे हम ये लैम्डा एल वन। ठीक, ये वैल्यू देखोगे तो -1.037 आ रहा है, तो इनवर्स करोगे तो एल लैम्डा वन जो हो गया 0.3542। ऐसे ही सेम आप लगाओगे एल एन लैम्डा टू इक्व टू, तो 0.2118 हो जाएगा इंटू यहाँ पर लैम्डा वन का स्क्वायर होगा, तो ये हमारा 0.3 का स्क्वायर है। हम इनको सॉल्व करेंगे लैम्डा टू को, तो लैम्डा टू की वैल्यू आ जाएगी 0.8264। ठीक, कितनी वैल्यू होगी 0.8264, तो लैम्डा टू की वैल्यू है 0.8264, लैम्डा वन की वैल्यू 0.3542, पी वन सैचुरेट आपको पता है 70 और पी टू सैचुरेट आपको पता है 30 bar। ठीक, आपको सिंपल बताना है टोटल प्रेशर, अच्छा आपको प्रीवियस इक्वेशन जो थी उनसे आपको मालूम है कि भाई लैम्डा वो 5 bar टोटल प्रेशर इक्व टू पी वन सैचुरेटेड और लैम्डा वन, इतना आया था इक्वेशन नंबर जो हमने पहले क्या बोला था इसको, इक्वेशन नंबर 4 और 5। ठीक, अब इनको दोनों को हम जोड़ दें, दोनों को जोड़ दें, ठीक, दोनों क्या करें हम जोड़ दें, तो हम और पी निकालने वैल्यू यहाँ से दोनों जोड़ो, तो ये आएगा पी वन सैचुरेटेड लैम्डा वन प्लस पी टू सैचुरेटेड लैम्डा टू और बटे 5/1 + 5/2, दोनों वैल्यू बराबर ही हैं, हम रखेंगे इनकी वैल्यू 70 × 0.3542 प्लस
30.8264 बटे दो गुणा 0.9, क्योंकि दोनों बराबर हैं 0.99। ठीक, हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 27.547 बार। इसलिए टोटल प्रेशर बार में है, क्यों, क्योंकि सैचुरेटेड प्रेशर बार में दिया है 27.547। देखिए भाई, तो 27.54 बी इज द राइट आंसर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एक सब्जेक्ट आज कम्प्लीट हो गया है, ख़त्म हो गया है। आप लोग इसको अच्छे देखिए, समझिए, बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट बनाया ओपी गुप्ता का। सभी दोस्तों में शेयर करिए, उनको बताइए, और ये कंटेंट जब भी आप पढ़ोगे तो कई सब्जेक्ट में आपकी नींव मजबूत हो जाएगी। हमारा हर सब्जेक्ट ऐसे जानदार शानदार आएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसको शेयर करें मोर एंड मोर अपने दोस्तों में। फिर मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।